हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमोजी ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कैनवा में इंडिपेंडेंस डे का एक सोशल मीडिया पोस्ट। तो इसके लिए मैंने स्क्वायर साइज यानी कि इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज़ होता है वो साइज़ का एक पेज क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे जो जो एलिमेंट्स चाहिए वो एलिमेंट्स मैं इकट्ठा कर लिया एक पेज में। फिर उसके बाद मैं ये डिज़ाइन करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया, इसका कोड आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो गोल्डन कलर का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, बहुत सारा ऐसे ग्राफिक्स है गोल्डन कलर का, ठीक है। तो ये गोल्डन डेकोरेटेड आप एलिमेंट्स बॉर्डर बोल के सर्च कर सकते हो, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हम डुप्लीकेट करके फ्लिप करेंगे और एक बिठा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि मेन जो एलिमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको हमें सजाना है। तो पहले ऐसे रखना है। तो ये एलिमेंट्स यानी कि इंडिया मोनूमेंट्स का जो एलिमेंट्स है ये भी आपको कैनवा में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। और एक बेस लाइन के लिए मैंने एक लाइन ले लिया, तो इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे दे देंगे। और इसका कलर हम ये व्हील का जो कलर है उस कलर में हम रख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टाइपोग्राफी करना है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। तो पहले हमको क्या टाइपोग्राफी करना है, मेन जो हेडर जो पार्ट है उसको करना है। फिर उसके बाद एक सबटेक्स्ट मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंडिया, तो इसको हम एक फॉन्ट दे देंगे। सिग्नेचर बोल के ये फॉन्ट हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सेंटर में, पेज का जो सेंटर है उसमें हम इसको बिठा देंगे। फिर कलर चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसमें हम लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे। तो इसको हम लैटो फॉन्ट में रखेंगे। आप चाहो तो कोई दूसरा फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम अपर केस में कर देंगे, सॉरी। साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे। और इसको हम ग्रीन कलर में कर देंगे। फिर उसके बाद हम और एक टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर 15 अगस्त। इस टेक्स्ट को हम ब्लू कलर में रखेंगे और इसको हम और एक फॉन्ट दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रोसेस बोल के फॉन्ट में ये फॉन्ट यूज़ कर रही हूँ और इसको हम बोल्ड में कर लेंगे। और इसका जो अपर केस मैंने ऑफ कर दिया, नॉर्मली मैं रखूँगी इसको, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखना है यहाँ पर और इसमें एडजस्ट करना है थोड़ा सा,
फिर उसके बाद हम पैराग्राफ जो टेक्स्ट है उसको हम लिखेंगे, तो उसको भी हम सेम फॉन्ट देंगे, ये फॉसेस जो फॉन्ट है वो फॉन्ट ही दे देंगे, और इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर में रखेंगे ऐसे। तो पेज के सेंटर में ये रख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इस डिज़ाइन को हम ऐसे नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो फ्लैग का एलिमेंट है, ये फ्लैग का एलिमेंट भी आपको कैनवा में मिल जाएंगे, तो इस एलिमेंट को हम यहाँ से ऐसे रख सकते हैं डेकोर पे, तो इसको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसे हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको, इसका जो प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो ये था इंडिपेंडेंस डे का एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कैनवा में इजीली मैंने बना लिया बहुत ही कम समय में, और इसके जैसे आप सोशल मीडिया पोस्ट कैनवा में बना सकते हो और उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बस डाउनलोड ऑप्शन में जाकर JPG, PNG, PDF कोई भी फॉर्मेट में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो एनीवन विद द लिंक करके आप इसको शेयर कर सकते हो कॉपी लिंक करके किसी के भी साथ। तो चलिए हमारा जो पोस्ट है वो देख लेते हैं कि कैसे हुआ। तो ये आप देख सकते हो कि ये पोस्ट जो कैनवा ने डिज़ाइन किया था मैं PNG फॉर्मेट में मैं डाउनलोड कर लिया इसको, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।